नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल जेवी डिवोशनल पे। पिछले सारे वीडियोस महाभारत से रिलेटेड हमारे पुराने चैनल जय वीरू पे पड़े हुए हैं, जो कि आप हमारे पिंड कमेंट में जाकर के देख सकते हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने दे रखी है। कुछ वीडियो उसमें है, कुछ ब्लॉक्ड हो गई थी जिनको डिलीट करना पड़ा, तो बची हुई है वीडियोस। नया चैनल हमने महाभारत और धार्मिक क्रिएशन के लिए ही किया है और इस चैनल पे हम सारे धार्मिक कंटेंट्स ही डालने वाले हैं। इस चैनल पे हमारी पहली वीडियो होने जा रही है, तो आइए शुरू करते हैं महाभारत एपिसोड नंबर 25। तैयारियां बड़ी है। समग्र कुरु राष्ट्र को विदित किया जाता है कि कुरु कुल वधु कुंती की कोख से कुरु वंश की ज्योत प्रकट हुई है। दिव्य चिन्हों से अंकित, ऐश्वर्य गुणों से मंटित पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। इसके पहले कुंती का पुत्र हो गया गांधारी से पहले। बड़े थे ना सबसे। शुभ अवसर पर महाराज धृतराष्ट्र स्वयं नगर में उत्सव पर्व की घोषणा करेंगे। झूमर देख रहा भाई। पुरुजनों और सभासदों, ईश्वर की कृपा से आज पितृलोक में कुरुवंश के पूर्वज प्रसन्न होंगे। उन्हें पिंडदान देकर संतुष्ट करने वाला कुरुवंश जन्मा है। मुझे अत्यंत आनंद हुआ है कि पूर्वजों को प्रसन्न करने का यह अवसर मेरे अनुज, मेरे प्रिय पांडु को प्राप्त हुआ है। समग्र राज परिवार की ओर से संपूर्ण राष्ट्र में होम, हवन और यज्ञ के आयोजन हो, दान और दक्षिणा की धारा बहे। जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश संपूर्ण सृष्टि को आनंद से भर देता है, उसी प्रकार कुरुवंश का यह नया प्रकाश हमारे इस प्रजा के हृदय को सुख और आनंद से भरे, ऐसा आयोजन हो, ये कुरु सम्राट धृतराष्ट्र का आदेश है। भाई दिल में पत्थर रख के ये आदेश पारित हुआ है। चेहरा देखो। महाराज धृतराष्ट्र की, कदम से नाप रखा है पूरा महल भाई ने, क्योंकि इनकी पत्नी उसके पहले से गर्भवती है ना। देखो ये क्रोध कहीं ना कहीं तो निकलेगा। क्या कहते हैं, कहाँ निकलेगा, बीवी में ही निकलेगा। ये कहाँ है वो गांधार की कुमारी, कहाँ है वो मेरा दुर्भाग्य बनकर आने वाली स्त्री। महाराज, महारानी सो रही है। बड़ी कठिनाई से आज हमें निद्रा आई। तो जगाओ उसे, मेरे भाग्य को सदा के लिए सुला देने वाली उसे स्वयं निद्रा किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। गांधारे, आर्य, तुम जाओ, जाओ, प्रतापी पुत्रों का वचन दिया था तुमने गांधारी। कहाँ है मेरे सौ संतान, कहाँ है मेरा उत्तराधिकारी, तेरे हृदय को शांत करने वाला, हताशा के नर से मेरा परित्राण करवाने वाला मेरा पुत्र कहाँ है, कहाँ है गांधारी। मुझे पूरा विश्वास है आर्य, महादेव शंकर का आशीर्वाद विफल नहीं होता। परंतु ये कैसा आशीर्वाद दिया है तुम्हें ईश्वर ने। सौ पुत्र जो साम्राज्य निर्मित करें, या सौ पुत्र जो अन्य की सेवा करते हुए जिए, जिनके स्वयं के जीवन अपमानजनक हो, उनके पिता का जीवन अपमानजनक हो, ऐसा आशीर्वाद मिला है तुम्हें। वास्तव में तुम्हें कोई वरदान मिला भी था, या फिर ये सब कुछ एक छल है। अब तक तुम्हें प्रसव क्यों नहीं हुआ गांधारी। जन्म और मृत्यु का क्षण कोई भी नहीं जान सकता। इस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं गांधारी। मुझे तुमसे सदैव निराशा ही प्राप्त हुई है, सदैव निराशा ही प्राप्त हुई है।
अपने नेत्र पर पट्टी बांधकर तुमने मेरा उपहास किया, फिर भी मैंने दूसरा विवाह नहीं किया। उस कुंती को ही देख लो, पांडु तो उसके लिए सौत भी ले आए, फिर भी उसने पांडु को एक पुत्र दिया और मैंने तुम्हें सम्मान दिया, तुम्हारी भावनाओं का विचार किया, महारानी का पद दिया, फिर भी समय पर तुमने मुझे पुत्र नहीं दिया गांधारी। इसी कारण तुमने मुझे समय पे पुत्र नहीं दिया, क्योंकि क्योंकि मैंने तुम्हें आवश्यकता से अधिक सम्मान दिया। हाँ, यही मेरी भूल थी। यदि तुम्हारे सामने प्रतिस्पर्धा होती तो अब तक प्रसव कर लिया होता तुमने। ये कौन सा थी? हाँ, मेरी ही भूल, किंतु अब इस भूल को शीघ्र ही सुधार लूंगा मैं गांधारी। जिस प्रकार समय पर तुमने प्रसव नहीं करके मुझे पीड़ा पहुंचाई, उस प्रकार अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे जीवन भर पद पद पर तुम्हें पीड़ा पहुंचेगी, पद पद पर पीड़ा पहुंचेगी, पद पद पर तुम्हें पीड़ा पहुंचेगी। अरे बेचारी की किस्मत पे बहुत तरस आता है, गांधारी की किस्मत बदल गई है। अब तो अच्छा जीवन मिलना शुरू हुआ था। गांधारी, ऐसी अवस्था में रोना अच्छा नहीं होता बहन। अवस्था ही अच्छी नहीं। करूं ज्येष्ठ भ्राता, जब दुर्भाग्य के मेघ मस्तक पर मंडरा रहे हो तो आंखों से ही बरसते हैं। नहीं गांधारी, नहीं, ऐसे विचार मत करो गांधारी। तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान शिव का वरदान जन्म लेने वाला, इसे दुर्भाग्य कहकर भगवान का अपमान मत करो, इसे तप समझो। कितना तप, कितनी प्रतीक्षा और कितनी पीड़ा सहन करनी होगी मुझे। जितनी अधिक धूप पेड़ सहता है, फल भी उतना ही मधुर होता है। पर मेरे पति का धैर्य टूट रहा है और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। पत्नी के रूप में मैंने उन्हें हताशा ही तो दी है। केवल हताशा, बहुत दीर्घ प्रतीक्षा के बाद मुझे मेरे पति का प्रेम प्राप्त हुआ था। वो अमूल्य संपत्ति भी मेरे हाथ से छूट रही है। नहीं गांधारी, नहीं, महाराज की चिंता मत करो, तो उन्हें तो अपने क्रोध पर अंकुश नहीं है, किंतु वो तुम्हारे साथ अन्याय करने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं उनके 100 पुत्रों को तुम ही जन्म दोगी, और कोई भी पुत्र अपनी माता पर अन्याय करने वाले पिता को कभी भी प्रेम और आदर नहीं देता, इतना तो महाराज को ज्ञात ही होगा। हर चीज का तोड़ सोच रखा है बंदे। एक रक्षक महाराज का ज्ञात नहीं होगा तो हम करवा भी देंगे। क्या संदेश है? महारानी, महाराज ने अपने कक्ष में उपस्थित होने की आज्ञा दी है। पर मैंने तो प्रण लिया है
मंदिर से बाहर नहीं निकलूंगी जब तक मेरा आपको नहीं महारानी आज्ञा क्या आज्ञा आपके मुख्य परिचारिका के लिए है सुखदा के लिए हाँ महारानी महाराज ने सुखदा को सज श्रृंगार करके अपने कक्ष में उपस्थित होने की आज्ञा दी है ये तो बवाल है भाई साहब क्रोध में जो भी कर ले वो सही है मुझे क्यों तो महाराज बताएंगे तुम्हारे मैं नहीं जाऊंगी मैं नहीं जाऊंगी कुमारी मुझे जीवन भर पीड़ा देने का यह उपाय ढूंढा है महाराज ने क्या प्रलाप कर रही हो दासी सुखदा नहीं जाएगी सुखदा जाएगी ज्येष्ठ प्राता क्योंकि मेरे पति ने मुझे दंड देने का निर्णय लिया है सुखदा उनका यह निर्णय स्वीकार करती सुखदा की मर्जी नहीं जाओ महाराज के आज्ञा अरे महाराज सब महाराज होते थे भैया जाओ सुखदा जाओ सुखदा बड़ी ही विचित्र परिस्थिति आ गई है सुखदा के सामने महाराज ने दंड देने का कुछ ऐसा अनोखा गरीब तरीका निकाला है कि पूछिए मत और दासी का खुद का कोई निर्णय तो चलेगा नहीं महाराज ने ऑर्डर दिया है तो फॉलो तो करना ही वो तो रानी भी मानती है भैया देखिए समय से पहले किसी भी चीज की इच्छा करना कई बार ऐसे ही हताशा का परिणाम होता है उन्होंने अपनी किस्मत का जितना भी वो था बोझ वो इनके ऊपर डाल दिया देखते हैं अगले एपिसोड में सुखदा के साथ क्या होता है बने रहिए हमारे साथ इस नए चैनल पे और ये ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए चैनल पे और ऐसी ही वीडियो देने का हमारा पूर्ण बने रहिए हमारे इस नए चैनल पे और ऐसी ही वीडियोस देने का हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा तब तक के लिए राधे राधे।